नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। हम बात करें शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, शत्रुघ्न सिन्हा ने 29 अप्रैल को अपना हलफनामा जाहिर कर दिया है और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। अब हम बात करें उनके हलफनामे के अनुसार उनकी चल और अचल संपत्ति के बारे में, तो उनकी जो चल और अचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा भी उन्होंने अपने हलफनामे में दिया है। और उनके हलफनामे में देखने को साफ तौर पर पता चल जाता है कि जो उनकी चल और अचल संपत्ति है वो किस तरीके से है और उन्होंने कहां कहां अपने पैसे का निवेश कर रखा है, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है। चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा के पास प्रॉपर्टी है और वो क्या क्या ऑन करते हैं। सबसे पहले बात की जाए शत्रुघ्न सिन्हा के चल और अचल संपत्ति के बारे में, तो उनके पास 112.22 करोड़ की टोटल चल और अचल संपत्ति मिलाकर है। तो वहीं उनके पास 8.60 करोड़ की चल संपत्ति है और 103.61 करोड़ की अचल संपत्ति मौजूद है। अब बात की जाए उनके पास कि कैसे कैसे और बाकी सारी चीज़ें हैं, उनके बैंक में कितना पैसा है, उनके पास कैश कितना है, तो और गाड़ियां कितने की उनके पास, तो उसके बारे में बात करते हैं। उनके पास कैश है 458,232 रुपये, वो कैश रखते हैं। वहीं उनके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट 2.74 करोड़ रुपये का बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। तो वहीं शेयर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की जाए तो 29.10 लाख रुपये के उनके पास शेयर्स हैं और म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने निवेश कर रखे हैं, जो कि करीब 29 लाख रुपये के आसपास हैं। अब वहीं बात की जाए सोने चांदी और कीमती पत्थरों के बारे में, तो जिस हिसाब से ये पैसे या रकम सामने आ रही, इस हिसाब से देखकर तो ये लगता है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो कीमती पत्थर और सोने चांदी के जेवरातों के बड़े शौकीन लगते हैं, क्योंकि 1.03 करोड़ रुपए के कीमती पत्थर और सोने चांदी के जेवरात की जो कीमत है वो उनके पास मौजूद है। अब वहीं बात की जाए गाड़ियों के बारे में, तो गाड़ियों के मामले में इनकी थोड़ी रुचि कम दिखती है, क्योंकि इनके पास 14.80 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, जिसमें 4 गाड़ियां शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए बैंक लोन के बारे में या गवर्नमेंट के कोई बकाए के बारे में, तो शत्रुघ्न सिन्हा के पास कोई भी कर्ज नहीं है और ना ही उनके पास कोई सरकारी पैसे बकाया हैं, जैसे कि वो टैक्स हो या इनकम टैक्स के रिटर्न हो, इस तरीके का कोई भी पैसा उनके पर बकाया नहीं है। अब वहीं बात की जाए वार्षिक आय के बारे में कि उनकी पर ईयर कितनी इनकम है, तो पिछले मुकाबले के अनुसार उनकी इनकम इस साल घटी है। तो वहीं 18 और 19 में उनकी जो इनकम को अगर आंका गया है तो वो करीब 63,87,233 रुपये उनकी इस साल की इनकम बनती है उनके हलफनामे के अनुसार। जी हाँ, ये शत्रुघ्न सिन्हा का हलफनामा जो उन्होंने दायर किया है उसके अनुसार ये सारी जानकारी है। आपको हमने बताया कि कैसे शत्रुघ्न सिन्हा क्या क्या चीज़ें ऑन करते हैं और कितने कितने रुपये और कितने कितने रकमों की चीज़ें ऑन करते हैं, उनके बैंक में बैंक बैलेंस कितना है, ये सब उन्होंने अपने हलफनामे में और अपने नामांकन पत्र में जो डिटेल्स दी जाती है वहाँ पर उन्होंने लिखा था और इसकी सारी जानकारी उन्होंने दी थी। अब वहीं अब बात की जाए चुनाव को लेकर, तो शत्रुघ्न सिन्हा जहाँ से आपको पता कि बिहार की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, वैसे में देखना होगा कि बीजेपी के दामन छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लेने से शत्रुघ्न सिन्हा को क्या उम्मीदें हैं, वो जीत पाते हैं या नहीं। इस बारे में कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।